बात करें तो ना सिर्फ अच्छे शायर, ना सिर्फ अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन, बल्कि बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। और लाइफ एड के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है कि अभिषेक और मुनव्वर बैठकर बातें कर रहे होते घर के माहौल के बारे में, जिस तरह से घर में सुबह सुबह हंगामा हुआ, खानजादी के बीच में, रिंकू के बीच में, उन सब के बारे में बातें कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ देखा ये भी जा रहा था कि नील और विकी बैठकर बातें कर रहे थे, उनकी बातें सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन मुनव्वर अभिषेक देखकर काफ़ी ऑब्जर्व करने के बाद मिमिक्री शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। नील बनते हैं अभिषेक और विकी बनते हैं मुनव्वर। जिस तरह से विकी घर में अपना मास्टर माइंड दिमाग चला रहे हैं, सबको जाके समझा रहे रिंकू, और जब खानजादी के बीच में झगड़ा तो वो सारी चीज़ें भी जाके वो सॉर्ट आउट कर रहे थे। साथ ही ईशा, अभिषेक, इन सब के मसले भी देख रहे, काफ़ी दिमाग तो लगा रहे। बिग बॉस ने सही कहा था कि उन्हें दिल नहीं बल्कि दिमाग के घर में होना चाहिए। इन सब चीज़ों को देख कर मुनव्वर बातें बोल रहे हैं, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि मैंने खानजादी को समझाया, ताकि उसके हिसाब से खाना बना के उसके सामने परोस दिया, जिससे वो समझ गई। और नील बस हाँ में हाँ मिला रहे थे, तो यही अभिषेक भी बस हाँ में हाँ मुंडी हिलाए जा रहे थे। इन सब चीज़ों को देखकर अभिषेक और मुनव्वर तो काफ़ी मज़े ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुनव्वर ये भी कह रहे थे कि अंकिता मेरी बीवी, ऐश्वर्या तेरी बीवी, दोनों बीवियों का वो दिमाग लगता है, उनके काम हम कर देंगे। सारी चीज़ें मुनव्वर बोल रहे थे, इसके साथ ही अभिषेक हंस हंस के मानो पागल से हो गए थे। हालांकि मुनव्वर ने और अभिषेक ने सारी चीज़ें बता भी दी विकी और नील को कि हम उनकी मिमिक्री कर रहे थे। वैसे आपको मुनव्वर का ये अंदाज कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के अपडेट के लिए स्टे ट्यून विद टेली मैजिक।